हेयर वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल हमारे कब बनते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, साथ में एटम का वाइब्रेशन होता है, प्लस में उनका क्या होता है, रोटेशन भी होता है। तो जो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट बनते हैं उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होती है, वाइब्रेशनल भी होता है और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे दो एटम्स ले लिए, एक M1 है और दूसरा क्या है, M2 है। M1 M2 हमारे दो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमने लिए, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा, R का डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे। ये M1 और M2 आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन में M1 प्लस में M2। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है सेंटर ऑफ मास के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे है, इसी वजह से हम इसको R को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। यहां से हमारा M1R1 प्लस M2R2 किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो M1R1 इज इक्वल टू माइनस M2R2 आ जाएगा, और अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखें तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, M2 अपॉन में M1 इंटू में R2 के। ठीक है, सिंस R किसके बराबर है आपका, R1 प्लस में R2 के, यहां से हम R1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और R की वैल्यू को किसके टर्म्स में निकाल लेंगे, हम R2 के टर्म्स में निकाल लेंगे। यहां से हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1R अपॉन में M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर हम सारे प्रोसेस को देखें तो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, M2R अपॉन में M1 प्लस M2। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, MR² होता है। यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इस वजह से एक M1 होगा, दूसरा होगा M2, एक R1 होगा और दूसरा क्या होगा, R2 होगा। M1R1² प्लस में M2R2² दैट विल बी इक्वल टू योर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से हमने R1 की वैल्यू निकाली थी और R2 की वैल्यू निकाली थी R के टर्म्स में, तो हम उस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 M2² R² अपॉन M1 प्लस M2² प्लस M2 M1² R² अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे को हमने अरेंज कर लिया और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना